हिसाब किताब चुप तो करना है। अगर आपने एक शब्द भी गलत बोला तो उसके मन में गलत विचार चलते हैं, आज नहीं तो कल बदला लेगा। देखो द्रौपदी ने क्या कहा, सीता ने क्या किया, एक ही शब्द बोला। द्रौपदी ने क्या बोला, एक ही शब्द बोला, अरे अंधे के बोला दिखाई नहीं देता है। तो वो एक शब्द ने क्या किया है ना, तो आज हमें लगता है मैंने एक ही शब्द बोला, तो वो एक शब्द क्या से क्या कर रहा है, आज नहीं तो कल मनुष्य बदला लेता है, आज चुप रहता है। इसलिए हमें सोच समझ कर इस संसार में चलना है। तो उसके लिए शिव बाबा ने नंबर वन एक विधि बताया, बच्चे हरेक से मिलो, हरेक को देखो, सब भगवान के बच्चे हैं। ये एक समझ में आए, कितना काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, जिसको जानते हो, जिसको ना नहीं जानते हो, किसी के अंदर भी रावण का बच्चा नहीं है, सभी परम धाम से आए हुए हैं और कोई दूसरा जगह नहीं है, एक ही जगह है। ये अगर बुद्धि में समझ में आता है उसका नाम ज्ञानी तो आत्मा है। तो उसकी नजर किसी पर जाती है तो उनके प्रति शुभ संकल्प तो ये राज। फिर दूसरा कहा सर्व संबंध, मेरा बेटा, मेरा पिता, पिता मेरा, ये मेरा, ये मेरा मेरा जो है ना ये दुख देता है। मेरा गया, कहाँ गया, ये शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में आएगा, कहाँ जाएगा। तो ये मेरा संबंध, सर्व संबंध एक माता पिता से रखा, एक भगवान से रखा। अगर कोई पूछेंगे ये कौन है, हाँ बता ना, मेरा पति है, मेरा बेटा है, बताने के लिए। लेकिन बुद्धि के अंदर ये धारणा रखो, समझ, तो मेरा तो एक गिरधर, एक शिव बाबा है। ये समझ के संसार में हरेक की सेवा करो, इसमें कोई तकलीफ है।